बड़ा प्यार करती है आपसे ही। देखिए अरे वाह, दर्द नहीं करेगा उसका कनवा? वह देखिए, अरे उठा दी इसको। देखिए जब बाहुबली फिल्मों में जैसा देखा होगा कि हीरो जो है चढ़ जाता है, ठीक वैसे ही अवे भाई जो है कान पकड़े और ये नीचे से उठा दी। 4 क्विंटल गेहूँ और धान मिला करके इनको उबाल करके उसमें घी वो मीठा उठा दे करके सब खिलाया जाता है। और क्या क्या खिलाया? और इसके लिए धान बोया जाता है, गन्ना स्पेशल धान बोया जाता है। गन्ना, गन्ना भी 10 बीघा है, धान भी 10 बीघा। 10 बीघा गन्ना केवल? अभी आप देखिए ये ऊँटों को देखिए, ये ऊँट जो है इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 एक अंदर है, 8-8 ऊँट है। इन 8 ऊँटों को देख रेख के लिए एक एक आदमी को स्पेशल लगा। ये हाथी है, इनके इशारा हुआ और इनके इशारा से वाह 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 वाह। देखिए ये ऊपर से ब्लेसिंग करने लगी और किस तरह से, कितना प्यार है इनको। इसे डर और नहीं लग रहा है हमारा? हमको भी डर नहीं, हम पहली बार आए हैं, डर के हाथ उत मिला रही है। अबे भाई कैसे चढ़ते हैं इस पर? हाँ देखिए कैसे वाला अलग अलग से आदमी है, इसको सफाई डेली दिन भर में 2-3 बार होता है। और देखते हैं कि ऐसा हसार है इनको, पंखा बिजली नहाने को झरना। देखिए इनका हाइट भी दिखाइए, देखिए ऊपर पंखा लगा हुआ है, 20 फीट ऊपर पंखा लगा हुआ है, 20 फीट हाइट है, 20 फीट ऊपर पंखा। एक हाथी के पीछे 4 पंखा है, 2 झरना है, 2 सावर है। देखिए उसको दिखाइए, वो कैसे हाथी जो है पाइप दे दिया गया और वो पाइप से पानी पी रही है। और उसको प्यास वास लगेगा तो कैसे इंडिकेट? वो अपना एकदम सब उसी के लिए आदमी रखा गया है, कब उसको टाइम है पानी देना, खाना देना, क्या करना, सब आदमी उस पर रखा गया है। देखिए गोपालगंज में एक ऐसे बाबा है जिनके पास 6 हाथी और 8 ऊँट है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार इन सभी हाथियों को दिखाइए। अभी आप देख सकते हैं 6 के 6 हाथी जो है यहाँ पे है। और ये 6 हाथियों का कार्यकाल क्या है तो आप देख लीजिए, प्रतिदिन ये लोग क्या खाते हैं नहीं खाते हैं। उससे पहले देखिए, ला के दिखाइए यहाँ पे, ये भाई साहब जो है मोड़ मोड़ के ऐसे दे रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि केवल इसको झूर खिलाया जा रहा है, जी नहीं भैया। आप ये दिखाइए क्या है, ये गेहूँ है, धान है, उसमें घी वगैरह डाल के जो है ये हाथी लोग को पर डे का रूटीन है। ये पर डे हाथियों को लगाया जाता है और ये हाथी जो है 6 के 6 हाथी खाती है। ये भाई साहब है, ये भाई साहब जो हाथी का देख रेखाव करते हैं, अभय भाई है, इनके संरक्षक में सारी हाथियाँ रहती है, मतलब मैनेजर कह सकते हैं ये हाथी लोग। अच्छा ये हाथी किनका हाथी है? महान सतदेवदास। सतदेवदास, ये प्रतिदिन कितना खाना खा जाती है? 4 क्विंटल गेहूँ और धान मिला करके इनको उबाल करके उसमें घी वो मीठा उठा दे करके सब खिलाया जाता है। और क्या क्या खिलाया? और इसके लिए धान बोया जाता है, गन्ना स्पेशल धान बोया जाता है। गन्ना, गन्ना भी 10 बीघा है, धान भी 10 बीघा। 10 बीघा गन्ना केवल हाथी लोग के लिए? हाथी के लिए है। और देखिए ये सब हरा चारा जो है खिला जा रहा है। और इनों के मैंने किस्म किस्म का खाना है। तब देखिए बड़े बड़े लोग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के कौन कौन गाड़ी रख लेते हैं, लेकिन भैया गाड़ी तो आप रख लेते हैं तो वो चलिएगा तब उसमें डीजल पेट्रोल लगेगा। लेकिन ये सब है, इन लोगों को प्रतिदिन खाने का कुछ ना कुछ चाहिए। अब जैसे 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत में केवल गन्ना लगाया जाता है ताकि इन हाथियों को गन्ना मिले। कब है भाई? हाथी एकदम ही शांत हो गया, एकदम बढ़िया, एकदम शांत है, कोई है? हाँ है? हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद देती, आशीर्वाद देती है। अच्छा कोई कार्यक्रम में भी जाती है? यही घूमने उमने का कार्यक्रम में जाती है, घूमते उमती है खाली। दूसरा कोई कार्यक्रम छठ उठ में, ये पूजा पाठ में कहीं नहीं जाता, सिर्फ मलमल पर रहता है। हाँ हाँ, पूजा पाठ कोई शादी ब्याह में नहीं जाता, नहीं जाता। अच्छा तो ये लोग के माने ये तो हो गया प्रतिदिन, ये सब एक ही मतलब मेल फीमेल है? हाँ हाँ हाँ, मेल है, दो फीमेल है ना, मेल मेल, हाँ हाँ फीमेल दो गो है, फीमेल दो गो है, माने स्त्री दो गो, हाँ पुलिंग दो गो ना, चार गो, चार गो, चार गो। तो आप ही देख रेख करते? हाँ हमारे देख रेख में। और कितने लोग हैं जो देख रेख करते? इसमें 16 आदमी है। 16 आदमी। अच्छा सब ये हाथी जो है ये जब गोबर उबर होता है तो सब आपको देखते हैं? हाँ आदमी सब रखा गया है, फेंकने वाला अलग अलग से आदमी है, इसको सफाई डेली दिन भर में 2-3 बार होता है। और देखते हैं कि ऐसा हसार है, इनको पंखा बिजली
नहाने को झरना। इनका हाइट भी दिखाइए, देखिए ऊपर पंखा लगा हुआ है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, 20 फीट हाइट है, 20 फीट ऊपर पंखा। एक हाथी के पीछे चार पंखा है, दो झरना है, दो सावर है, देखिए दो झरना है, इधर इधर भी दिखाइए, चार इधर पंखा है। ये हाथी थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बदमाश टाइप का है। उसके बाद इधर आइए, दिखाइए इधर भी दिखाइए, ये हाथी भी है, ये भी हाथी थोड़ा सा बहुत खतरनाक है, इस सब में से खतरनाक ही हाथी है, थोड़ा बदमाश है, बदमाश है तो? क्या क्या बदमाशी करता है? अरे वो जानवर है भाई, उसको तो काम है करवे कर तब तो? हर हाथी के पीछे एक एक आदमी लगा है? ना ना, हर हाथी के पीछे दो दो आदमी है, हर हाथी के पीछे दो दो आदमी है, तो पैसा हम सब मेहंदी देते हैं। कितना महीना लमसम मान लीजिए 10,000 तो होगा? हाँ बेसी है, इतना पैसा तो हमको लग रहा है कि एक हाथी के पीछे 2,00,000 रुपये खर्चा। खाली तनख्वाह माहौल लोग का 2,00,000 का है, एक महीने का, एक महीना का। बाप रे बाप, आप सोचिए जरा, लोग दो बड़े बड़े जो रईस लोग होंगे वो क्या करते होंगे कि 2,00,000 का उनका खर्च होगा पूरे महीने का, लेकिन इनका केवल महाउत लोग का जो पालने देख रेख करते हैं उनका जो है 2,00,000 रुपया महीना है। देखिए अब वो क्या करेगी, पानी क्या पानी पिएगी, देखिए दिखाइए उसको, दिखाइए वो कैसे हाथी जो है पाइप दे दिया गया और वो पाइप से पानी पी रही है, और उसको प्यास वास लगेगा तो कैसे इंडिकेट वो अपना एकदम सब उसी के लिए आदमी रखा गया है, कब उसको टाइम है पानी देना, खाना देना, क्या करना, सब आदमी उस पर रखा गया है। देखिए ये हाथी जो है किस तरह से पानी पी रही है, पाइप दे दिया गया है, पाइप इधर से निकल के आया है, इधर भी दिखाइए, और उसके दे दिया गया वो उठा के अपने आप लगा ली, अपने आप ही लगा वो। हाँ। जिसको प्यास लगेगा उसको नहाना होगा, उसको झरना चालू हो जाएगा, जो भी है वो अपना सब करेगा। हाँ। तब इतना फैसिलिटी तो कोई आदमियों को नहीं मिलता होगा, 4,000 को पंखा और नहाने के लिए सावर लगा है, उसके अलावा पानी दे दिया गया, एकदम पानी पी ली। अरे भाई भाती में बहुत खर्चा है, प्रतिदिन 4 क्विंटल गेहूँ धान खाता है, 4 क्विंटल गेहूँ का दाम जोड़िए कितना होता है। मान लीजिए कि एगो ब्याह शादी में किसी के घर 4 क्विंटल लगता है, बड़ा बड़ा अगर ब्याह होगा तो यहाँ डेली 4 क्विंटल। हाँ तब कितना ऊँटवा रोज 2 बोरा चोकर खा ले सन, 2 बोरा डेली चोकर। हाँ 8 गो बाड़े सन, 3,000 हो गए, और पर 8 जना बाड़े वो लोग की 8 गो ऊँट पर 8 जना, 8 जना और 6 गो हाथी पर 12 जना, 6 गो हाथी पर 12 जना, वह लोग तनख्वाह कितना हो? तो वह लोग दिया 10,000, एक घड़ी 10,000 के नीचे आदमी केहू काम करी। हाँ तब मन उन लगे लेकिन से बात करे। हाँ हाँ तो बताइए ना, जे जे उन्होंने बाबू का मन न लगे तो कैसे रही बात, समझे सब समझे ले सन, आदमी से बहुत ज्यादा के ज्ञान बा तब। अच्छा मान ली कुछ कहे खोके तो केंगे कहत उ सब ओकर भाषा हम बुझे तनी, हमार भाषा उ बुझतिए कहीं तो हमरा कसीद बात दी। आई तो अबे भाई चले लाइए, बोलिए तो इसको। देखिए अब ये हाथी है, इनके इशारा हुआ और इनके इशारा से वार वाह वाह वाह, देखिए ये ऊपर से ब्लेसिंग करने लगी और किस तरह से, कितना प्यार है इनको, इसे डर और नहीं लग रहा हमारा, हमको भी डर नहीं, हम पहली बार आए हैं, डर के हाथ उत मिला रही है। हाँ अबे भाई कैसे चढ़ते हैं इस पर? हाँ देखिए कैसे चढ़ते हैं वो भी दिखाते हैं, बड़ा प्यार करती है आपसे ये, देखिए वाह रे वाह, दर्द नहीं करेगा उसका कनवा? वह देखिए, अरे उठा दी इसको, देखिए जब बाहुबली फिल्मों में जैसा देखा होगा कि हीरो जो है चढ़ जाता है, ठीक वैसे ही अबे भाई जो है कान पकड़े और ये नीचे से उठा दी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जानवर जो है इंसान की तरह मतलब भाषा समझते हैं, वो समझ गए कि वो मेरे ऊपर चढ़ना चाहते हैं एकदम आराम से। देखिए अब, देखिए अब अपना रिएक्शन भी दे रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, डर और नहीं लगता है? डर का है, इन लोग के साथ रहा है। देखिए ये फील है, एक आंखें देखिए छोटी छोटी एकदम, और क्या क्या कर लेती है? सब काम करती है, सिया नहीं ना रही है? ना ना ना, ना। कहाँ कैसे आएगी? कैसे आएगी? ये सब रखा गया है पूजा पाठ के लिए, दूसरा के अपना मठ के शौक है। ये बाबा हैं, इनका माहौल भी आप देखिएगा तो देखने के बाद लगेगा कि पूरे मतलब 4-5 गो राज में वैसा माहौल नहीं है, और इस माहौल में जो है ये हाथिया जो है शोभा बढ़ाती है देख रेख के लिए, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बीरा टोला से। बीरा टोला से कहाँ हैं? अतराज से। कहाँ हैं?
हम देखने के लिए आए हैं हाथी या महल। ये महल, ये तो अभी हाथी सार है, इतना बड़ा महल जाके देखिए क्या रहे होंगे वहाँ से देख के। यहाँ पर वहाँ ओवर ब्रिज वगैरह सब बन जाएगा तो देखने लायक होगा। जी जी, महल है, उस महल में लोग आते हैं, फिल्म बनाते हैं और बना के यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ये महल भी जो है बाबा का मतलब मठ जो है बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ साथ ये हाथियों को लोग देखते हैं और हाथियों को देखने के बाद फोटो वोटो खिंचवाते हैं, बाकी दूर दराज से लोग देखने आते हैं। देखिए 6 हाथी है यहाँ पे, लगातार इन लोगों का जो खर्च है कहीं ना कहीं पर डे का मतलब 2 लाख खर्च मिनिमम है। अब ये बाबा जो है कहीं ना कहीं इन हाथियों से इतना प्रेम रखते हैं कि इन हाथियों के लिए प्रतिदिन, उसके बाद ऊंट भी हम दिखाते हैं। अभी आप देखिए ये ऊंटों को देखिए, ये ऊंट जो है इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 एक अंदर है, 8-8 ऊंट है। इन 8 ऊंटों को देख रेख के लिए एक एक आदमी को स्पेशल लगाया गया है। इनके साथ ये डेली 2 बोरा चोकर खाते हैं, इनका खाने का सामग्री। और ये देखिए यहाँ ये जो है लकड़ी जोड़ के इसलिए रखा गया है कि जो भी इनका मतलब खाने का सामान बनता है वो सारा सामान इसमें बनता है। ऊपर ये दिखाइए, ये हाथीसार है और हाथीसार के ऊपर जो लोग इनको देख रेख करने वाले लोग हैं वो ऊपर स्पेशल रहते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको भी घूमने का मन करे तो भैया एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। और आश्रम, अभी तो आश्रम में मुझे लगता है कि 40% काम बाकी है, जिस दिन ये बन जाएगा। देख सकते हैं ये जो है गोदाम है, ऐसे ऐसे कई गोदाम है बाबा के पास, इसमें अभी भूसा रखा गया है। बाबा इन ऊँटों और हाथियों के अलावा गाय भी रखते हैं, गाय के भी बहुत बड़े शौकीन हैं। और सबसे गाय ऐसा कि दूध बेचने के लिए नहीं, जो दूध होता है वो हाथी होती सब ऊँट पी जाता है। बाकी वो देखिए वो काहे रखा है वो हंडा शादी में खाना बनता है? ना ना, वो रखा गया इसलिए कि जो धान और गेहूं है ना हाथी लोग को खिलाया जाता है, उनको बॉयल करके उसके बाद से खिलाया जाता है उसको।